अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी। अरे पंकज भैया, हाँ वो पानी की बोतल ली क्या तुमने? नहीं यार, पीछे देखा था वो होटल बंद पड़ी थी। अरे यार पानी की बोतल तो लेनी चाहिए थी, तुम्हें मालूम है कुंदनगढ़ कितना लंबा रास्ता है। पीछे देखा था मैंने भाई, दोनों होटलें बंद पड़ी थी, तो वहाँ से ले लेते पहले। हाँ मुझे नींद। एक बात बताओ जीतू भैया। हाँ यार, ये रास्ता कुंदनगढ़ को जा रहा है क्या? हाँ कुंदनगढ़ ही तो है ये रास्ता, कुंदनगढ़ अपन आए थे ना पहले शाम को। यार मुझे डाउट हो रहा है इस चीज़ को लेके अभी भी। अरे वो डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि अपन पहले शाम को उजाले उजाले निकल गए थे। पर उजाले तो निकल गए थे यार, लेकिन इतना खतरनाक जंगल और ऐसा कुछ नहीं आया था यहाँ पे इतना रोड पे। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुमको कि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस सड़क के ऊपर कि ये वो रास्ता नहीं है। हो सकता है देखते हैं अगर कोई मिले, अगर कोई मिलता आगे तो। और कोई नजर भी तो नहीं आया यार मिलते हुए, आधा पौन घंटा हो गया लगातार चलते हुए, साला एक जानवर तक नजर नहीं आया इस रोड के ऊपर। कर भी क्या सकते हैं, रात को 12:15 बज रही है, कहाँ जाएं, यहीं थोड़ी रुकेंगे, कहीं चलने तो दो पहले, पहुँचने तो दो। अभी कोई मिलेगा या कोई देखते हैं कोई आसपास कोई घर दिखता है तो उनको पूछ लेंगे, बाकी रास्ता तो यार अब रात को 12:15 बजे आप कहाँ कौन मिलेगा यार? है वहाँ पे कहाँ? देखो देखो सामने देखो, कोई खड़ा है, इनसे पूछ लेते हैं, कोई आदमी लग रहा है। हाँ है तो यार कुछ, कोई ना कोई तो है यहाँ पे खड़ा कोई है। चलो बढ़िया, अब थोड़ी शांति आई है। हाँ कोई, यार। कोई तो दिखा। भाई साहब। हाँ जी। तो कुंदनगढ़ का रास्ता, ये रास्ता कहाँ पे जाएगा? कुंदनगढ़ तो यार भैया 55 किलोमीटर पीछे ही रह गए। 55 किलोमीटर पीछे रह गए? आप तो ये गलत रास्ते पे आ गए हो। नहीं यार। हाँ 55 किलोमीटर पीछे छोड़ा है आप कुंदनगढ़ को। मैंने कहा था आपको यार पीछे। इतनी रात में आप जा कहाँ रहे हो वैसे? कुंदनगढ़ जाना हमारे को। कुंदनगढ़ जाना, लेकिन यार भैया आप 55 किलोमीटर पीछे रास्ता तो वो तो निकल गया, आप बहुत आगे आ चुके हो। आप कौन हो? आप क्या क्या कर रहे हो? तो यार मेरा खेत है यहाँ से, लेकिन आप इतनी रात को जा कहाँ रहे हो? कुंदनगढ़ जाना भैया हमारे को, हम रास्ता भटक गए इसलिए, हमारे को कोई भी नहीं मिल रहा था पूरे रास्ते के अंदर। ये इस रास्ते से जाना बहुत गलत हो जाएगा, मैं तो कहता हूँ आप मत जाओ इस रास्ते से। क्या दिक्कत है इस रास्ते से? मैं आपको मना कर रहा हूँ यार भैया, आप इस रास्ते से मत जाओ आप। मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, पास में मेरे को पता नहीं क्या क्या हरकतें होती है। आपको मैं तो आपको राय नहीं दूंगा कि आप इस रास्ते से जाओ, देखो फिर आपकी इच्छा क्या करे। जी तो भैया इतना पीछे जाना तो संभव नहीं है, आगे चलते हैं अपन तो। चलो आगे चलते हैं, देखो आगे तो मना कर रहे हो, मत जाओ आगे भैया, मैं नहीं कह सकता। 2 घंटे हमको वापस पीछे जाना पड़ेगा यार, बहुत रिक्सी मामला है, देखो गलत छाया है इधर भूत प्रेत। भैया हमारा काम ही यही है। वो काम आपका सब ठीक है, लेकिन भैया आपकी कल को आपकी जान को कुछ हो गया कर गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? दिक्कत वाली बात हो जाएगी वो, फिर आपकी इच्छा, देखो मैं तो क्या बता सकता हूँ। टाइम अभी 12 बजी है भैया। 12 बजी भी है, आपको पता 12 बज गई है, फिर उसके बावजूद आप उस गलत रास्ते को चुन रहे हो ना। रास्ता गलत है भैया, मैं आपको नहीं कह सकता हूँ आगे जाओ आप। चलो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है ना, वो आप अपनी इच्छा हो जो कर देखो। चलो क्या करें पंकज भैया? तो चलो एक काम करो, निकलते इस रास्ते से और भैया से वो डंडा तो ले लो यार, हाथ में वो था तो हमारे लिए ठीक रहेगा। भैया एक बार यार वो प्लीज यार थोड़ा डंडा तो दे दो, क्योंकि अगर वापस भी जाएंगे हम। मना कर रहा हूँ आपको, मत जाओ इस रास्ते से यार भैया, आप अपनी जान को क्यों? हाँ नहीं जा रहे हैं हम, नहीं जा रहे हैं। जाना तो जाओ पहले, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि ये डंडा साथ लेके जाना, फिर देखो आप अपनी। हाँ इसीलिए बुलाया था आपको कि हमको ये डंडे दे दे, आपको हेल्प करेगा, बाई चांस कुछ हो जाता है तो कम से कम। तो जानवरों का भी डर है? जानवरों के अलावा भैया जानवर तो कुछ नहीं करते, लेकिन भूत प्रेत का गलत छाया है इधर, मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी देखो, बाकी फिर आपकी इच्छा। मैं आपको ये डंडा दे सकता हूँ बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके साथ। आप अपनी रिक्शे जाना, देखो भैया। ठीक है जितेंद्र, चलो आप फुर्ती से। चलो बैठो पंकज भैया बैठो। अरे यार पंकज भैया, वो आदमी कहाँ है? देखो रोशनी में दिख नहीं रहा, कहाँ पे गया? चलो जरा आगे चलो ना यार। वो कहाँ गया है? और थोड़ा आगे चलो, देखो एक बार। अरे साइड में कहीं नहीं दिख रहा वो तो यार। अरे डरा दिया यार तुमने तो। अरे डर वर नहीं छोड़ो, गया कहाँ पे वो? था कौन यार, दिख नहीं रहा मेरे को तो।
अच्छा हुआ आपने उससे डंडा मांग लिया। डंडा तो मांग लिया सही है, मगर वो आदमी कहाँ गायब हो गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यहाँ पे तो कोई रास्ता भी नहीं फट रहा है यार। यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा ना, कहाँ गया वो? क्या करे, वापस चले या चलते हैं? बताओ जल्दी जी। तो भी ऐसा करो थोड़ी सी दूर चल के देखते हैं। हाँ, थोड़ा देखो कोई गांव की रोशनी वगैरह अपन को नजर आती हो तो। नहीं तो वापस घुमा लेंगे, अभी तो क्या 50-55 किलोमीटर तो आगे हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है चलो देखो एक बार। पंकज भैया हाँ, एक मिनट देखो कुछ दिखा आपको? कुछ दिखा? हाँ यार भाई है? हाँ बिल्कुल दिखा। देखो मेन सेंटर में कोई खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है, पास में चलते थोड़ा रुको। कौन है जी? तो भाई ज्यादा रिस्क मत लो, देखो उसको। अरे कोई आदमी हो सकता है यार भैया, वही हो सकता है, वही हो। आदमी चलता हुआ नजर आएगा भाई। यार ये तो वास्तव में डाउटफुल है कुछ। पंकज भैया कोई आदमी है? हाँ बिल्कुल है। जी तो भैया ध्यान से। हाँ देखते हैं कौन है यार, समझ में नहीं आ रहा, कोई जाता ही जा रहा है, रुक लग नहीं रहा है। जी तो मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अरे रुको तो सही, हो सकता है वही आदमी हो। उसने काला लिबास नहीं पहन रखा था यार, कैसे हो सकता है वो आदमी? एक मिनट भाई साहब। हेलो भाई साहब। ओ भाई साहब बोलो आप। हेलो भैया। भैया हेलो, कहाँ जाना है आपको? जीतू भाई रुक गया। जीतू भाई अरे बाप रे, 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 भागो जीतू, भागो 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 जीतू भागो, मैं भाग रहा हूँ, तुम आ जाओ पीछे। जल्दी आओ यार, अरे बाप रे, चलो अरे बाप रे।